हेलो रिवन सो आज हम देखने जा रहे हैं ऑल बायोस रिजोर्स ऑफ इंडिया जो कि एक एनवायरनमेंट का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा और वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए प्रीलिम्स में काफी बड़ा वेटेज है आप जानते हो कि लगभग 20 टू 25 फाइव क्वेश्चन प्रेलिम्स में आते हैं सिर्फ एन्वायरमेंट कैटेगरी से और जबकि मेरिट देखा जाए तो अराउंड नाइन्टी के आसपास हमें कुछ लास्ट सालों का मेरिट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोर देन फिफ्टी आपके जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए तो वो होगा एन्वायरमेंट कैटेगरी वाला जो बाकी कोई सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन नहीं आते बट एन्वायरमेंट में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखते चाहे प्रीलिम्स हो या अभी मेन्स में भी काफी वेटेज बढ़ चुका और कही कही है और इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल एक अप्रोच देखने को मिल रहा है तो इसलिए देखो इस चैप्टर को हमें इस एन्वायरमेंट फैक्टर को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है जिसमें हम एक पिलर कर सकते हैं अगर आप सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहते हो या कौन से टॉपिक पे फोकस करना है एन्वायरमेंट में वो आप जानना चाहते हो तो आप इन दस चैप्टर को देख सकते हो कि जिसमें पहला है क्लाइमेट चेंज सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी तीसरा है इको ये तो कोर टॉपिक हो गया चौथा आ सकता है प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट्स एंड पॉलिसीज पोल्यूशन इंटरनेशनल कन्वेंशन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स एंड दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हम जिसको बोल सकते हैं एक ब्रह्मास्त्र है राइट और वो कौन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट दस साल के क्योंकि देखो एनवायरमेंट सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि जो सिर्फ स्टैटिक या बुक से कवर किया जाए क्योंकि ये पार्ट जो है तो वो काफी ज्यादा करंट अफेयर्स से इंटरलिंक्ड है और वो आपको समझना है तो आपको थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे क्योंकि एनवायरमेंट का सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है और बहुत सारे अभी जैसे कि हम पकड़ते हैं कि फोर्थ चैप्टर है प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व सेंचुरीज है या फिर रामसर साइड से राइट तो ये इतनी सारी है कि सौ से प्लस तो आपके नेशनल पार्क है सेंचुरी देखा जाए तो पांच प्लस है राइट रामसर साइड सेवेंटी फाइव आते हैं राइट बायस रिजर्व एटीन आते हैं एलिफेंट रिजर्व देखा जाए तो लगभग तैतीस थर्टी थ्री के आसपास है और टाइगर रिजर्व देखोगे तो फिफ्टी फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर के आसपास है राइट तो इतने सारे सच में एक ऐसे याद रखे जाए है ना ये अपने आप में एक बड़ा टास्क बन जाता है तो इसलिए आपको यस yes, डेफिनेटली एक यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना काफी जरूर होता है चाहे कोई भी टॉपिक हो इसमें से कोई भी पिलर होगा तो आपको समझना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने चाहिए इसलिए मैं एक सेशन लेके आ रहा हूं अनएकेडमी ऐप पे आप जाके आ, मेरे प्रोफाइल में जाके सुमित कोंडे ऐसा एक प्रोफाइल है तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो अभी हमने जस्ट पीवाई क्यू एनालिस एक स्टार्ट किया है जिससे आप समझ पाओगे कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं अब रही बात इन पिलर्स को वैसे भी मैं आपके लिए एक uh, कवर कर ही रहा हूं जैसे अभी तक हमने पायस पे रिजर्व अभी हम कवर करने वाले एलिफेंट रिजर्व हमने अभी तक कवर किया है आराम से साइड्स हम कवर ऑलरेडी कर, कर चुके हैं जिसका एक्सेस आपको मिल जाएगा आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि जो ऑलरेडी हमने कवर किए जैसे आप देख पा रहे हो एलिफेंट रिजर्व होगा या फिर ये रामसर साइट्स ऑल रामसर साइट्स हो गए तो वो सभी मैंने कवर किए हैं या इवन 2022 में जो भी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज न्यूज में थे तो वो भी आप यहां पे जाके चेक कर सकते हो तो इससे काफी फायदा होगा आपको देखो जो भी एलिफेंट रिजर्व या टाइगर रिजर्व हो गए या फिर रामसर साइट्स से वो याद मतलब बहुत आराम से रह जाएगी भले ही उसके नंबर ज्यादा दिख रहे आपको बट इट इज रियली इजी टू रिमेंबर अब रही बात बायसपी रिजर्व तो बायसपी रिजर्व पे, पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पहले समझना जरूरी है देन विल स्टार्ट दी कवरेज तो इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है कि अगस्त हमारे समझ लो बायोस्ट रिजर्व है तो उसमें कौन से कौन से अदर प्रोटेक्टेड एरियाज आता है या कोई भी पी रिजर्व टोटल अठारह बायोस्ट रिजर्व है तो उसमें से फिर ऐसा बन सकता है कि हां बताओ ये बायोस् रिजर्व है तो इसमें और कौन से नेशनल पार्क एंड सेंचुरी पार्ट है राइट तो ये एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है सेकंड एक पैटर्न हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कावेरी समझ लो अभी देखो ये तो यूपीएससी का ही क्वेश्चन है कावेरी रिवर बेसिन है तो उसके आसपास कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है मतलब क्या है कि बेसिकली आपको बायोस्ट रिजर्व और उसके आसपास वाली रिवर पता होनी चाहिए राइट उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज अदर प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क है सेंचुरी हैं है ना तो ये सब आपको पता होने चाहिए तो मतलब देखो पैटर्न हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब हम आगे कवर करने वाले डोंट वरी अबाउट दिस या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर बायोस् रिजर्व उसमें कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है ओके तो वो एरियाज भी पता होने चाहिए और वो स्पीसीज सच में वहां मिल सकती है क्या तो इसके लिए भी मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जैसे अभी मस्ट डियर है तो फॉर एग्जाम्पल वो कहां पे मिलता है मोस्टली स्नो कवर्ड एरिया में आप पिक्चर देख के समझ सकते हो कि देखो ये बोल रहा है भाई स्नो तो में मिलता हो राइट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि देखो ये डियर तो काफी आते हैं स्पॉटिंग डियर है डांसिंग डियर है राइट देन आफ्टर दैट सांबर डियर आता है लॉट ऑफ बारसिंगा डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा डियर्स बट ये जो मस्ट डियर है वो कहां पे मिलता है स्नो में अगर आप ये डिकॉर्ड कर पाओ कि सभी डियर्स में एक डियर है कि जो स्नो में मिलता है दैट इज द मस्ट डियर ठीक है तो आप यहाँ पे जाके कुछ लॉजिक्स लगा सकते हो जैसे मानस तो दलदल वाला क्षेत्र है मानस आता है आसाम में और वो तो मिलता है वेटलैंड में राइट तो वेटलैंड और स्नो में फर्क है राइट तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड डी सही बात है और किशनपुर है तो वो है यूपी में अब यूपी भी तो एक प्रकार का ज्यादा से ज्यादा तराई से लेके प्लेन वाला क्षेत्र है तो इसलिए थर्ड भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो बचते दो ही ऑप्शन है वन एंड टू राइट तो इस प्रकार के लॉजिक्स कैसे डेवलप करें तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा बस आप थोड़ा इंड तक बने रहो टली गेट द कॉन्फिडेंस इन दिस पार्ट ओके तो अब शुरू करते हैं साइट. तो साइट बेसिकली क्या है तो मैन एंड बायोस्क ये जो है वो यूनेस्को ने स्टार्ट किया था कि जिसपे उन्होंने एक कोर थीम ऐसे रखी थी कि एनवायरमेंट को हम क्या करेंगे कि ह्यूमन्स के साथ ही हम कंजर्व करेंगे मतलब जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है उसी के साथ जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी ह्यूमन सेटलमेंट है जैसे एक ट्रांजिशन जोन है बाहर का और वहाँ पे काफी अच्छी ह्यूमन सेटलमेंट्स है जहां पर वो एग्रीकल्चर करते हैं सेटलमेंट करते हैं क्रॉपिंग करते हैं ना जो भी उनकी एक्टिविटी चल रही है डे टू डे तो उसके अंदर जाने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर कोर एरिया होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर ह्यूमन सॉरी बेसिकली ये जो बायोडासिडी मिलेगी या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलेगी तो उनको इनके थ्रू ही हमें कंजर्व करना है इनको इंपॉर्टेंस बताना है इनको एजुकेट करना है और इनके थ्रू इसको कंजर्व करा के लेना है मतलब ये मैन एंड ये बायोस्पे रिजर्व ओके तो ऐसा कोलैबोरेशन के साथ इनको कंजर्व करना होगा तो इसलिए इन्होंने तीन डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं बायोस्ट रिजर्व को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक है कोर या नेचुरल जोन जो हाईली प्रोटेक्टेड होगा यहां पे किसी को परमिशन नहीं होगी लीगली प्रोटेक्टेड होगा अनडिस्टर्ब होगा क्योंकि यहां पर मेन एनिमल का आवास होगा इस प्रदेश में तो इसलिए उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे दूसरा आता है कि बफर जोन की बफर जोन में क्या है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज या रिसर्च वगैरह अलाउ करेंगे अगर आपको बायस बास्कर्व का वो भी एक मोटो uh, है पर्पज है कि वहां पे हम डिफरेंट रिसोर्सेस को रिसर्च करें या उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन चलना चाहिए तो वो बफर आएगा वहाँ पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं और लास्ट आता है कि जो ट्रांजिशन जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रेजिंग वगैरह सब कुछ अलाउड होगा कल्टीवेशन भी अलाउड होगा राइट right? तो बस इतना है कि हारमोनीम में मतलब क्या है कि इस एक्टिविटीज की वजह से अंदर इनको इंपैक्ट नहीं होना चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखना है कंटिन्यू इन हारमोनी विद द कंजर्वेशन गोल्स ऑल्सो तो ये जो कंसेप्ट है ये यूनेस्को ने लेके आई थी और 1971 में ये कन्सेप्ट आया था और इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ 1986 के अराउंड इंट्रोड्यूस हुआ था जो पहला इसी के अंडर हमारा बायोस्पेरिजो बना था वो नीलगिरी नीलगिर बायोस्पेरिजो बना था राइट ये बाकी कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स है कि वो आप बाद में रीड कर सकते हो इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ डिग्री कैसा है तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जिस प्रकार का प्रोटेक्शन है लगभग उससे ज्यादा भी हम बोल सकते हैं या उसके जैसे ही प्रोटेक्शन है और इसमें इंटरफ्रेंसेस ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह अलाउड है क्या यस आउटर जोन में अलाउड है बट एक्सेप्ट कोर एंड बफर जोन एंड ये डिलीनिएटेड होता है क्या मतलब इसकी बॉर्डर्स वगैरह फिक्स होती है कि यस होती है आयु के कौन से कैटेगरी में आता है तो कैटेगरी नंबर फाइव में आता है जैसे कि फोर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है है ना कैटेगरी टू में नेशनल पार्कस आता है तो वैसे आयू की कौन सी कंजर्वेशन कैटेगरी है प्रोटेक्ट एरियाज की पांच नंबर की बाइस के लिए उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमने ये कवर किया कि कोर जोन दैट इज नॉट अलाउड एजुकेशन अलाउड है तो बफर में एंड ट्रांजिशन कहाँ पे अलाउड है ट्रांजिशन में क्या अलाउड है आपकी सेटलमेंट्स वगैरह अलाउड हो गए इन हार्मोनी विद द कंजर्वेशन गोल गेटिंग पॉइंट तो इसी प्रकार से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और फिर आप जैसे हमने देखा कि शुरुआत हो गई थी नीलगिरी से और सबसे लार्जेस्ट बायोस्पी रिजर्व है इंडिया का वो है ये गल्फ ऑफ मन्नार अगर ये मरीन बायोस्पी रिजर्व में अगर बात करें और वैसे ओवरऑल लैंड के बारे में अगर बात करें तो रन ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट वन तो रन ऑफ कच्छ ये होगा सबसे लार्जेस्ट बट हाँ ओवरऑल मरीन बायोस्पी रिजर्व अगर इसमें अलग से करते हैं तो दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार विल बी द दल्सो द वन ऑफ द लार्जेस्ट वन और उसके बाद स्मॉलेस्ट में देखा जाए तो पन्ना जो एम में आता है वो सबसे स्मॉलिस्ट है टोटल ऐसे अठारह बायोस्पी रिजर्व है इंडिया में टोटल आप जो डॉट्स देख पा रहे हो अठारह और एक एक को हम कवर करेंगे द फर्स्ट बायसपी रिजर्व इन इंडिया इज द दैट इज नीलगिरी वो हम देखेंगे आगे कहाँ पे कैसे क्या मिलता है तो इंडिया में लगभग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना ऑलमोस्ट आइलैंड्स में भी एक आपको देखने को मिलेगा सभी स्टेट में ऐसा नहीं है टोटल अठारह ही आता है तो वो हम डिटेल में देखेंगे बट इसमें भी अभी कैसा होता है देखो ये इंडिया ने डिक्लेयर किया है बट यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज जो किए हैं कि यूनेस्को भी को भी लगता है कि हाँ ये तो काफ़ी यूनिक है और इनको हमें कंजर्व करना चाहिए तो इसमें से टोटल ग्यारह आते हैं कि जो यूनेस्को रिकोगनाइज है तो देखो पूरे ग्यारह की ग्यारह याद रखने से बेहतर है कि आप अठारह में से जो ग्यारह है वो माइनस कर लो समझ में आ रहा है मतलब जो बच जाते हैं तो लगभग सात एक जो बच जाएगी तो सात को याद रखो कि जैसे अभी कोल्ड डेजर्ट है वो नहीं आता है राइट रन ऑफ कच्च है वो नहीं आता है शेष है वो नहीं आता है राइट दिहांग दिबांग दिब्रूसैक हुआ है ना ये दोनों भी नहीं आते मानस नहीं आता है तो कोशिश करें कि इनको याद करें जो सबसे छोटा वाला है पढ़ना वो भी नहीं आता है तो सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों भी नहीं आता है ना सबसे नॉर्थ में है वो भी नहीं आता है राइट तो शेषाचलम जो हम देखेंगे आगे वो नहीं आता है राइट तो दिहांग दिबांग जो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है तो लगभग सिर्फ नौकरे छोड़ के तो यहाँ पे ऑर्धर कोई यूनेस्को रिकोगग्नाइज में नहीं आ रहा है ठीक है तो ऐसे आप थोड़ा सा लॉजिकली याद रखो बाकी जो बच गए वो सभी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया मतलब उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा तो लेट्स वन बाय वन तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नीलगिरी बायसपेर रिजर्व जो कहाँ पे आता है ऑब्वियसली बात है तीन स्टेट में आता है तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका यहां पे आप साउथ में देख सकते हो सो तो ये तीन स्टेट के बीच में आता है कर्नाटक केरला एंड तमिलनाडु एग्जैक्टली बीच ओ बीच नीलगिरी जहां पे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो है वो साथ में आते हैं सो so दैट इज द नीलगिरी बायसपेर रिजर्व जहां पे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट साथ में आएगा और यहाँ पे स्पीसीज की बात करें तो नीलगिरी मार्टेम होगा नीलगिरी ताहर होगा लाइन तिल मक हो ना तो ये दोनों तो यहाँ पे एंडेमिक आता है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है ऐसे ये दो स्पीसीज है जो कि नीलगिरी ताहर और नील यहाँ पे लाइन टेन मकाऊ बाकी टाइगर भी यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स है वो आप देख सकते हो अब इस नेशनल पार्क में देखो काफी सारे पार्ट है जैसे कि नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नॉर्थ की तरफ से देखो बांदीपुर एंड नगर होल है ना ये कर्नाटक की तरफ से आते हैं बांदीपुर एंड नगर होल याद रखना बांदीपुर एंड नगर होल कर्नाटक की तरफ से है फिर मुदुमलाई मुखुर्दी केरला की सॉरी ता, तमिलनाडु की तरफ से आते हैं एम एम मुदु मुकु है ना तो ये कहाँ से आता है तमिलनाडु की तरफ से और केरला की तरफ से एक आता है साइलेंट वैली तो देखो टू टू, टू वन है ना तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क मुदुमलाई मुखुर्ती इन तमिलनाडु देन बांदीपुर नगर होल इन कर्नाटका तो ये हो गए टोटल तो पांच पार्ट उसके बाद सेंचुरीज में देखिए तो सत्यमंगलम अरालम है ना वायनाड करीमपुजा तो ये जो है तो वो भी एडिशनल इसमें पार्ट रहेगा तो आप आराम से देख लो इसको कि देखो सत्यमंगलम जो आता है वो अराउंड यहाँ पे हम तमिलनाडु में देख पा रहे हैं आरालम देखेंगे तो यही कुछ आसपास आ जाएगा ना पार्ट में और उसके बाद में वायनाड देखो तो आप वायनाड यहाँ पे आ, सत जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है तो उसके आसपास हम आरालम देखेंगे क्योंकि हर एक मैप में थोड़ा सा वो मिल नहीं पाएगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजन यहाँ पे लिखना होगा वायनाड उसके बाद आप देखोगे करीम ये केरला में ही आता है ना तो ऐसे कुछ ये पार्ट हो गए तो टोटल कुल मिला के देख लो लगभग आठ से नौ के पार्ट आते हैं जो इस एरिया में रह गए तो काफ़ी बड़ा एरिया है तीन स्टेट में फैला है कर्नाटक केरला एंड तमिलनाडु तो यहाँ से डायरेक्टली कावेरीवेरेज जाती है क्या तो बिल्कुल नहीं बस इसके ट्रिब्यूटरीज जाते हैं जैसे काबिनी है मोयार है है ना ये कावेरी के जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ से चले जाते हैं राइट तो इसलिए ट्रिप्यूटरीज या बेसिन अगर मैं बोलता हूँ तो यस कावेरी बेसिन में निशा आ सकता है डेफिनेटली इट इज़ देयर ओके तो याद रखना कौन से कौन से है मुदुमलाई मुखुर्ती नगर होल बांदीपुर साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये हो गया नेशनल पार्क बाकी बचे कौन है फिर सत्यमंगलम अरालम वायनाड करीम है ना तो ये भी कुछ पार्ट हो गए आपके यस नीलगिरी नीलगिज ओके तो कौन से पार्ट है इस पर काफी बार क्वेश्चन आते हैं तो यू मस्ट लर्न दिस ओके ठीक है नेक्स्ट है फिर इसमें देखो अभी अब यहाँ पे एक फॉरेस्ट दिख रहा है शोला नाम से फॉरेस्ट है तो ये फॉरेस्ट ऐसा होता है कि हाई आल्टीट्यूड में भी आपको ये फॉरेस्ट मिलता है और मतलब एक फॉरेस्टेड पार्ट होता है और काफी अच्छा एक एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप में ही आपको फॉरेस्ट मिलेगा तो इवन इसको ज्वेल्स ऑफ द नीलगिरी भी कहा जाता है तो यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन फेमस है ऐसे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे वेजिटेशन कौन सा फेमस है राइट right? तो याद रखना इसमें है ना तो इसको सोलाल भी बोलते हैं सोलाई भी बोलते हैं इट मीन्स है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरल शोलास एवरग्रीन सिचुएटेड माउंटन्स ऑन लेकिन पंद्रह सौ मीटर के भी ऊपर ये लोकेटेड है ऐसे हाइट पे बहुत कम बार इतना डेंस फॉरेस्ट मिलता है और वो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको तो इसलिए है ना ये फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है तो अगर वेजिटेशन पूछे तो कहाँ पे है ये शोलास इन नीलगिरी एंड इवन नीलगिरी के साउथ में वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर मिलते हैं कॉलीफ्लावर शोलास भी ऐसे कुछ कहा जाता है इसको ठीक है क्योंकि कॉलीफ्लावर लेक्स उसका ऊपर से स्ट्रक्चर है डेंस वाला स्ट्रक्चर है इसके अलावा हम आगे देखें तो यहाँ पे दो रिवर इंपॉर्टेंट फ्लो होती है वो कौन सी है येस yes, मोयार एक रिवर है एंड एक यहाँ से और एक रिवर फ्लो होती है ऊपर की तरफ काबिनी तो काबिनी एंड मोयार रिवर फ्लोज फ्रॉम द नीलगिरी पास्प रिजो याद रखना ठीक है उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्राइब्स अगर देखे जाए तो तोड़ा पीपल यहाँ पे मिलते हैं तोड़ा बदगाज है ना इरुला तो ये टाइप्स है इवन अदिया नाम से है कुरुबा नाम से पनिया नाम से है तो ये जितने भी न्यूज में हो जब भी कभी न्यूज़ में हो तो डेफिनेटली देख लेना बट तोड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेंबर दैट अब ये होगा पहला नीलगिर बायस रिजो है ना हमने देखा रिवर कौन से फ्लो होती है है ना तो रिवर हमने देखा मोयार एंड काबेनी ओके उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे यस yes, ऑर्डर कौन से इसके और पार्ट्स हैं तो वो हमने देखे राइट फिर तो उसके बाद यहाँ पे कौन से ट्राइब्स है वो हमने देखे राइट तो ऐसे इसी प्रकार से हम हर एक का कवरेज कर रहे हैं फास्ट फास्ट रैपिड, रैपिड रैपिड तो प्लीज़ आप उसको अगर याद नहीं रहे तो रिवाइज करके भी आप देख सकते हो रिपीट करके भी देख सकते हो तो सेकेंड आएगा नंदा देवी जो क्या है उत्तराखंड में उसमें अगर आप देखते हो तो चामोली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है पित्तौगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है एक ही स्टेट है उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायस इसमें स्पीसीज की बात करें तो स्नो लेपर्ड देखो फिर से आ गए ये मस्ट ईयर है ना और ये कुछ स्लॉथ बियर आता है तो वो यहाँ पे फे, फेमस हो गया है ना ब्लैक बियर सॉरी नॉट स्लॉथ बियर तो बेसिकली क्या है कि फिर यहाँ पे चामोली के आसपास से चामोली पे आजकल काफ़ी न्यूज़ में दिख रहा है तो नंदा देवी हम देखते आगे कि जहाँ पे रिसेंटली कुछ एक हमने देखा है कि फ्लावर्स वगैरह या ऋषि गंगा के जो पार्ट्स है वो यहाँ से होते हैं और बेसिकली अभी जो रिसेंटली मैं जिसकी बात कर रहा था तो तपोन विष्णुगढ़ राइट तो यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबस फ्लड हुआ था तो वो भी कुछ न्यूज़ में था तो देख लेना ये नंदा देवी के आसपास के ही रीजन है जो तपोवन विष्णुगढ़ वगैरह है तो मतलब न्यूज़ में है काफ़ी न्यूज़ में है जहाँ पे एक ग्लेशियर था तो वो आउटबस्ट हो गया था राइट और उसी वजह से यहाँ पे जो रिवर है है ना ऋषि गंगा वगैरह तो उसमें काफी फ्लड्स आए थे और उसी वजह से यहां पे तपोन विष्णुगढ़ के प्रोजेक्ट को अफेक्ट हुआ था राइट ये जो आप, आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो तपोन विष्णुगढ़ का कुछ प्रोजेक्ट है तो वहां पे काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी ड्यू टू फ्लड है ना ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड तो इसलिए ये नंदा देवी देखो ये नंदा घाटी जो दिख रही है तो ये उसी के आसपास ये सब पार्ट आता है तो लेट्स सी कि अब यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की ओके तो इट इज़ रीनेम एज नंदा देवी वैली ऑफ द फ्लावर्स ऐसे भी कुछ रिसेंटली रीनेम किया गया था इसको और यहाँ से रिवर जो फ्लो होती है ऋषि गंगा विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ धौली गंगा ओके ये धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है मतलब ये धौवली गंगा फिर अलकनंदा को जाके मिलती है यही अलकनंदा आगे जाके गंगा बन जाती है राइट यहाँ पर और भी कुछ ट्रीज है फर बर्च रोडेंड्रॉन जूनीपर है ना ऐसे फ्लोरा यहाँ पे मिलते हैं जो टेम्परेट फॉरेस्ट है ना यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट है न्यूक्लियर पावर्ड स्पाइंग डिवाइस और नंदा देवी ये जब ऑपरेशन हैट वगैरह कुछ हुआ था ये चाइनीज़ जब इंटलिजेंस uh, वगैरह हो रहे थे कोल्ड वॉर के टाइम नाइन्टीन की बात है तब यूएसए और इंडिया ने कोलाब्रेशन में यहाँ पे कुछ स्पाइंग डिवाइसेस लगाए थे ना तो यही वो नंदा देवी का क्षेत्र है तो कभी कभी ऑर्डर कनेक्शन भी आ सकता है तो देख लेना उसको तो ये लगभग थोड़ा सा बॉर्डर के पास आता है तिबेट और इंडिया के आसपास के बॉर्डर में राइट नेक्स्ट है कि यहाँ पे तीसरा आएगा फिर हम देखते हैं अभी नेक्स्ट गल्फ ऑफ मंडार बाज़ तो ये आता है रामेश्वरम तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में ओके okay, और यहाँ के स्पीसीज इंपॉर्टेंट है डुकोंग देन सी कुकुम्बर अभी काफ़ी अच्छा न्यूज़ में चल रहा है तो न्यूज़ में देख लेना इस सी कुकुम्बर को साइट्स में कुछ अपेंडिक्स वन में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट चल रही थी क्योंकि इनको गार्बेज कलेक्टर्स ऑफ द सी कहा जाता है जैसे अर्थवम काम करते हैं ज़मीन पे है ना तो उसी प्रकार से ये डी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं सी में और इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं तो इसलिए ये स्पीसीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सी कोकुम्बर ओके okay, गल्फ ऑफ मन्नार में तो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है तो वो नेशनल पार्क भी है बायस प्रिजो भी है है ना थुट्टूपोड़ी से लेके धनुषकोड़ी ऐसे कुछ यहाँ पे पार्ट आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीचों बीच आता है लगभग तीस बत्तीस आइलैंड है यहाँ पे टोटल में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक पर्ल प्रोडक्शन के लिए भी फेमस आता है राइट मतलब बायडा तो है ही डुगोंग की स्पीसीज़ है और उसके अलावा यहाँ पे पल का भी प्रोडक्शन हो जाता है तो वो देख लेना उसके बाद देख सकते हो देखो पल ऑयस्टर फार्मिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चलती है और बाकी तो कोरस की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है इंडिया में काफ़ी कम लोकेशन पे कोरल मिलता है बट हाँ यहाँ पे भी मिलता है राइट तो वो भी आप देख लेना एक बार और यहाँ पे रिवर्स कौन से फ्लो होती है फिर तो यहाँ पे एक थम्बीरा बिरानी नाम से एक रिवर है तो वो यहाँ पे फ्लो होती है ना हल्का सा वही गई अगर देखोगे तो पाल की तरफ ऐसे फ्लो होती है बट हाँ वेगई का फ्लो थोड़ा सा ये सेतु समुद्रम वगैरह जो आता है तो वहां तक चला जाता है बट एनी वेज थम्बिला बिरानी मुझे लगता है कि याद रखो और एक वाईपाई नाम से एक री आती है तो वो भी हमें याद रखनी चाहिए जो यहाँ जाके गल्फ ऑफ मन्नार को मिल जाती है राइट इसके अलावा नेक्स्ट आप देखते हैं नोकरेक नोकरेक में कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है तो ऑब्वियसली हॉर्नबिल आता है रेड पांडा आता है एंड एलिफेंट्स आता है ठीक है तो ये नोकरेख कहाँ पे आता है वेस्ट गारो गारो खासी जैतिया है ना दिस इज गारो दिस इज खासी दिस जैतिया हिल्स जो मेघालय में आते हैं और ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पे वेस्टर्न गारो हिल्स नाम से तो यहाँ पे हम देखेंगे तो गारो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो भी नेशनल पार्क यहाँ पे आते हैं मेघालय में नोकरेक एंड बालपाख्रम वो दोनों भी वेस्ट की तरफ ही आते हैं राइट तो यहाँ पे ये मिलेगा तो यहाँ पे इवन आप जानते हो ना नोकरेक में क्या फेमस है ये दिस इज द यस लिविंग रूट ब्रिजेस ओके तो ये आप देख पा रहे हो कि इस इसकी कुछ न्यूज भी थी रिसेंटली कि यूनेस्को okay? तो टैक्स मतलब यहाँ पे देखो ये ब्रिज इज कॉल्ड जिंग किंग जेरी नाम से भी जाना जाता है राइट right? और इसको खासी कम्युनिटी क्या करते हैं कि ये जो रबर वगैरह होता है रबर के ट्रीज होते हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से एक्सपांड करते कि जिसको ये रूट्स का एक ब्रिज बन पाए तो ऐसा ये मतलब ट्रीज को डाइवर्ट करके खासी कम्युनिटीज इसको इस प्रकार से कुछ बनाती है राइट तो देख लेना ये खासी कम्यूनिटीज है ना और यहाँ पे स्पीसीज की बात करें तो ऑफ गिबन ओनली एप फाउंड इन इंडिया जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है आसाम में वगैरह तो ये मेघालय में भी मिल जाता है ठीक है तो देख लेना यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है नोकरेख है तो वो मेघालय में एक बायो स्पेजो है नॉर्थ ईस्ट का ओनली नॉर्थ ईस्ट में एक दो ही बायस स्परीज आते हैं उसमें से ये एक रहेगा ओके तो वेस्टर्न गारो हिल्स में आता है एंड उसके बाद यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होगा तो डेफिनेटली है क्योंकि इतना सारा रेनफॉल आता है